सब्सक्राइब कीजिए वैदिक साधना चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट धर्म ज्योतिष आधारित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय किन्नारी। वैदिक साधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तीन राशियों के बारे में यह वीडियो लेकर आए हैं। कौन सी जो तीन राशि है जिनके भाग्य में लिखा होता है सरकारी या प्राइवेट जॉब का योग, तो यह वीडियो आखिर तक पूरा वीडियो जरूर देखें। और यदि आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए प्रस्तुत है यह वीडियो। मनुष्य को जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए, सुचारू रूप से जीने के लिए इस दुनिया में हर किसी को सरकारी नौकरी या जॉब, प्राइवेट जॉब की चाहना होती है। लेकिन बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य में जन्म से ही जॉब लिखी होती है, किंतु उसमें भी कुंडली में लग्न एवं कर्म स्थान की भूमिका अहम हो जाती है। देखते हैं मेष राशि। सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट जॉब पाने की पहले नंबर पर आता है मेष राशि। मेष राशि वालों को खाली बैठना पसंद नहीं है और आदत भी नहीं होती। मेष राशि वाले अपने आप को काफी व्यस्त रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इस राशि वालों के भाग्य में जॉब लिखी होती है। बस एक सही मार्ग पर चलने से उनको सहलाई से जॉब मिल सकती है। धन राशि। दूसरे नंबर पर धन राशि का समावेश होता है। धन राशि वाले बहुत जुनूनी होते हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इन लोगों को नौकरी थोड़ी देर से पर मिल जाती है। यह लोग अपने जीवन काल में काफी उन्नति करते हैं। ये लोग काफी चतुर, पैसे का मूल्य समझने वाले और फिजूल खर्च से बचने वाले होते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि तीसरे नंबर पर आती है। यह राशि वालों को मौके का इंतजार रहता है और जब चांस मिले तब झट से पकड़ लेते हैं। यह राशि वालों के पास धन की कमी नहीं होती और कर्क राशि वालों को किसी भी तरह से नौकरी प्राप्त होती है। साथ में ये लोग धैर्यवान, सोच समझकर काम करने वाले, जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार। जय गिरनारी।